नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम बात करेंगे कोडेक की। ये कोडेक क्या है और कहाँ यूज होते हैं? जो डिफरेंट सिनेमा कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा है, मिररलेस कैमरा है या वीडियो कैमरा है, ये ऑफर करते हैं अपने यूजर्स को कि वो उन कोडेक के जरिए जो भी एडिटिंग एनवायरनमेंट है, जो भी एडिटिंग वर्कफ्लो है, उस पर उनका कोडेक का जो वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए और आप आसानी से उसे एडिट कर पाए। लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कोडेक होता क्या है। असल में कोडेक वो प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी बड़े वीडियो फाइल को या रॉ वीडियो फाइल को छोटे फाइल के रूप में कन्वर्ट करें बिना किसी क्वालिटी लॉस के, यानी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बिना अगर हम फाइल को छोटा कर सकें तो ये कोडेक का ये गुण होता है। और सभी कंपनी इस तरह के कोडेक बनाने में जुटे हुए हैं जो फाइल की साइज़ को काफ़ी छोटा करे और उसकी क्वालिटी भी न कमज़ोर हो। तो इसमें करते क्या है, जो आपके रॉ डाटा होता है, जो रॉ फाइल होते हैं, उसमें बहुत ऐसे ऐसे फाइल्स होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनकी आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन इन्फॉर्मेशंस को छाट देता है और सिर्फ बचे हुए उन इन्फॉर्मेशंस को ही कोडेक में कन्वर्ट करता है जिनके वजह से आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतर से बेहतर दिखे या उसमें आवाज़ भी जो हो वो अच्छी आए। तो यहाँ हम तीन तरह की क्वालिटीज़ के जो कोडेक हैं उनका हम जिक्र करेंगे। पहला है प्रोरेस, जिसके बारे में आप काफ़ी जानते होंगे, हर जगह पर आपको प्रोरेस सुनाई देता होगा। दूसरा है DNX HD, ये भी नया कोडेक आपको लग रहा होगा लेकिन काफ़ी पहले का है। और तीसरा है CDNG यानी सिनेमा DNG, इनके बारे में हम आगे बताते हैं। सबसे पहले हम पहले दो कोडेक के बारे में बताते हैं जो संपूर्ण रूप से यूज होने वाले कोडेक हैं, जिसमें कि प्रोरेस है एप्पल कंपनी का, इसे एप्पल ने प्रोवाइड किया है, एप्पल ने डेवलप किया है, तो इसलिए हर जगह पर एप्पल प्रोरेस लिखा रहता है। एप्पल प्रोरेस में 422 और 422HQ काफ़ी यूजफुल कोडेक है। आप जब भी कोई वीडियो फाइल बनाते होंगे, एडिट करते होंगे, तो जब उसको एक्सपोर्ट करने जाते होंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते होंगे, मिलते होंगे प्रोरेस का, तो प्रोरेस HQ में आप जाइए तो उसमें हाई क्वालिटी आपको मिलता है। और प्रोरेस 422 भी अगर करते हैं तो उसमें भी क्वालिटी अच्छा मिलता है। दोनों ही 10 बिट पर काम करने वाला कोडेक है और काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी देता है। दूसरा जो कोडेक हमने बताया है वो है DNX HD, ये Avid ने डेवलप किया है और Avid का ये DNX HD है। ये दोनों ही कोडेक लगभग एक जैसा क्वालिटी देता है। हाँ, DNX HD जो है वो प्रायः 8 बिट पर आपको मिलते हैं और प्रोरेस आपको 10 बिट पर मिलते हैं, इसलिए प्रोरेस को हम थोड़ा अच्छा मानेंगे। और प्रोरेस आप कहीं पर भी यूज़ अगर आप करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं, किसी भी वर्कफ्लो पर यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको मिलता है। तो मैं यूजली प्रोरेस को ही यूज़ करता हूँ, प्रोरेस HQ या प्रोरेस 422, लेकिन आप DNX HD को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर Avid पर एडिट करना है तो DNX HD बहुत अच्छा है। विंडो के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर किसी भी अलग भी सॉफ्टवेयर पर आपको एडिटिंग करना है तो DNX HD बढ़िया ऑप्शन होता है। ये MP4 वगैरह से काफ़ी अच्छा क्वालिटी माना जाता है और इसकी जो फाइल साइज भी होती है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब हम आपको तीसरे तरह के जो कोडेक है उसके बारे में बताएंगे जो सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा खास है और उसका नाम है CDNG यानी सिनेमा DNG। DNG का फुल फॉर्म आप DNG करके मत समझिए, ये डिजिटल नेगेटिव को कहते हैं, यानी सिनेमा डिजिटल नेगेटिव का जो कोडेक है वो पूरा का पूरा फाइल नहीं बनाता है। जैसे कि प्रोरेस और DNX HD में आपका एक ही वीडियो के अंदर, एक ही फाइल के अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों ही रहता है, लेकिन इसमें सिनेमा DNG में आपको सीक्वेंस मिलता है। जैसे आप PNG फाइल होते हैं ना, उस तरह के आपको सीक्वेंस फाइल्स मिलते हैं एक एक। अगर 24 फ्रेम पर आप शूट कर रहे हैं तो 24 फ्रेम का अलग अलग, 24 फ्रेम के अलग अलग पिक्चर्स मिलेंगे और साथ में अलग से एक ऑडियो क्लिप रहेगा, यानी ये दोनों चीज़ मिला करके आपको मिलती है। और इसका यूज़ आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ आपको कोई VFX का काम करना हो, इसके साथ अगर कोई ग्राफिक्स यूज़ करना हो या कोई एनिमेशन आप इसके साथ यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह के कंपोजिटिंग में, और मेनली DI अगर आपको प्रॉपर वे से करना है तो आप इस फाइल फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपने समझा कि कोडेक क्या है और किस किस तरह के कोडेक नॉर्मली सिनेमा कैमरे में यूज़ होते हैं और उसका क्या काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कफ्लो के बारे में बताएंगे कि एडिटिंग में ऑनलाइन एडिटिंग, ऑफलाइन एडिटिंग क्या होता है। इंतजार करिए। नमस्कार।